कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। क्या है टॉर्क? थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो तो टॉर्क को टाउ से नोट करते हैं। इसका यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, मतलब एक तरह से वर्क की तरह ही काम करता है। वर्क के जो डायमेंशन होते हैं ना ML2T-2 वही होते हैं इसके, न्यूटन इंटू मीटर। देख सकते हो न्यूटन को किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, यूनिट ही आ जाए। जो वर्क और एनर्जी के होते हैं वही होते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रेफरेंस पॉइंट से कह लो, ओरिजिन से कह लो, लाइन ऑफ एक्शन तक होता है। कौन सा डिस्टेंस? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। जो ये फोर्स होती है, ये दो फोर्सेस होंगी इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान रखना। जो ये फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट होंगी विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? डिफरेंट। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इन्हीं दो लाइन ऑफ एक्शन के बीच का भी ले सकते हो आप। रेफरेंस पॉइंट से किसी एक लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर दो लाइन ऑफ एक्शन दे रखे हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। डायग्राम के थ्रू समझेंगे इस चीज को। किसके थ्रू? डायग्राम। सपोज कोई रोड है, ठीक है बेटा, कोई रोड, यहां से आप रोटेशन की तरफ चल रहे हो। आप जो ये यूनिट फिफ्थ है, इसमें सेंटर ऑफ मास पढ़ा आपने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं उसको। उसके बाद रोटेशन की तरफ चल पड़ेंगे कि रोटेट कैसे करते कोई बोले, तो एक तरह से यहां से स्टार्ट हो चुका है। ये रोड है, इसके आपने क्या करा? फोर्स लगा दी, इधर लगा दी एक फोर्स, पता नहीं कितने न्यूटन है, यू नो, जो मर्जी उतनी ही फोर्स आपने इधर लगा दी। कैसी फोर्स है? इक्वल एंड अपोजिट। क्या होगा इस रोड के साथ, इस रोड ए बी के साथ क्या होगा बताइए? ये भी रोड रोटेट करेगी, क्या करेगी? रोटेट करेगी। ऐसे करोगे तो ये रोटेट करेगी और इस तरह से आ जाएगी। ए डैश इधर आ जाएगा, बी डैश आया हुआ, दो जो टू इक्वल एंड अपोजिट होते, जब कोई चीज क्या करे, एक कपल बना दे, कपल का मतलब जोड़ा बना दे, ठीक है, रोटेट होने लग जाए, इस तरह से इसको बोलते हैं टॉर्क। फैन हो गया, या फिर ये रोड मैंने जैसे ये घुमाई है, ये जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी पॉइंट पे या एक्सिस पर, कोई ना कोई पॉइंट होगा या एक्सिस होगा, किसका? रोटेशन का। किसका? रोटेशन का। उसके अराउंड ये घूमते, तो यहां पर इस चीज को पढ़ना जरूरी है। अब बात आ जाती है सर, टॉर्क का पता लग गया हमें, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, देख रहे हो। तो इसमें जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। अगर ये ऐसे घूमे तो राइट हैंड रूल लेकर आप इस तरह से देख सकते हो, स्क्रू रूल भी बोलते हैं। देखो दो तरीके, स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल।
क्या समझे? रोटेशन की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लगाइए, राइट हैंड की थंब आपको डायरेक्शन दे देगा टॉर्क। स्क्रू रूल क्या है? स्क्रू को घुमाते हैं ना अंदर, दोनों उसको भी रोटेट करके देखिए। मान लो कोई स्क्रू है, आप ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, तो कहां जाएगा वो? अंदर घुस जाएगा। अगर मैं इस तरह से रोड को घुमा रहा हूं तो टॉर्क कहां होगा? अंदर की तरफ। और इस तरह से घुमा रहा हूं तो टॉर्क कहां होगा? बाहर। तो स्क्रू रूल से भी पढ़ सकते हो आप इसको, और राइट हैंड थंब रूल से भी पढ़ सकते हो। टॉर्क के बारे में बता दिया, फोर्सेस बता दी, अब इक्वल एंड अपोजिट लाइन कौन सी है फोर्स की? लाइन जा रही है नीचे, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। और अगर ये ऐसे होती तो अब क्या होता? इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां है? तो क्या होता है? कोइंसाइड करती इनका एक्शन को, लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, लेकिन इस केस में लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। यही है ना बात? ये रोटेट होके जब ऐसे आ जाएगा, फोर्स कहां लगा रखी है? फोर्स कहां लगा रखी है? अब लाइन ऑफ एक्शन भले ही इसका सेम हो जाए, पहले नहीं था, अब बात आ जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। किसकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, और इसमें बीच में कहीं भी आप ले सकते हो, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई डाउट? चलो एक और चीज, ये पॉइंट पर मान लो फिक्स कर दी कोई चीज, अब आपने फोर्स लगाई ऐसे ले लो, ड्राइंग कई खेल है, क्यों कई खेल? ये फिक्स कर दिया आपने एक एंड इसका, जैसे राज्य को कर देते हैं, फिक्स कर दिया, ठीक। ये इसका पॉइंट रह गया ओरिजिन, क्या रह गया? ये पोजीशन हो गई इसकी आर वेक्टर, एंगल कितना हो गया? ठीक है इसको आप ऐसे घुमा सकते हो, जैसे ये डोर है, डोर को घुमा सकते हो, ये रहा, इससे समझेंगे, क्लियर? कहीं भी फिक्स कर लो इस एक्सिस पर, ठीक है। आपने फोर्स लगाई यहां पर, हैंडल यहां पर देते हैं ना, बीच में क्यों नहीं देते, उधर क्यों नहीं देते? मैक्सिमम टॉर्क करने के लिए, जितनी ज्यादा रोड होगी उसके किनारे पे उतना बढ़िया टॉर्क होगा, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आर होगा, ये आर होगा, जितना ज्यादा होगा वहां पर ही, वहां से ही आप फोर्स लगाइए, टॉर्क बढ़ेगा, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। चलो दोबारा यहां पर आ जाए, फोर्स लगाई आपने, रोटेट कर दिया, क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, फोर्स लगाई मैंने, रोटेट कर दिया,
रोटेट करूंगा तो क्या होगा, रोटेट करूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं अब हम इस केस में लाइन ऑफ एक्शन। बस मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई है, दो फोर्स नहीं है हमारे पास, एक ही फोर्स दे दी, दो थी ना, दो के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया आपने, अब एक ही फोर्स है इस एंड पे लगा रहा हूं, दूसरा फिक्स कर दिया है, ऐसे घुमा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गई, ये हो गया ये पॉइंट, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो लेना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सपोज आपने इसको यहां से उठा के ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, चलो तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, यहां से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, ये आएगा, इस डिस्टेंस को बोलोगे ओ एन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई डाउट इस केस में, यार अभी रहने दो, समझाएंगे इसको आगे, सिर्फ इसमें एक एंड पर जब आपने फोर्स लगाई तब के लिए बताएगा। ये कुछ बेसिक है जो टॉर्क के बारे में, टॉर्क होता क्या है, एक कपल जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी डिफरेंट एंड्स पर और बॉडी रोटेट करेगी तो उसको बोलते हैं टॉर्क। पंखे चलते हैं इधर कहीं भी है, कोई ढक्कन है, ढक्कन को आप बंद करते हो खोलते हो तो क्या एक उंगली से खोल सकते हो, ऐसे ही दूसरी तरफ भी लगाना पड़ता है ना दम, आप एक तरफ ऐसे लगाते हो दूसरी तरफ ऐसे लगाते हो, इक्वल एंड अपोजिट करके आप स्क्रू घुमाते हो, तो वहां पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में पता लग गया आपको, हर एक चीज पता लग गई है इसमें, चलो इसके बाद, इसके बाद फार्मूला देखते हैं, अब फार्मूला देखते हैं। सही फार्मूला जो इसका है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है इसको आपने, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर है, और कैसे लिख सकते हो आप इसको, आर एफ साइन थीटा, यह कहा तो मैग्नीट्यूड ले लिया, वेक्टर फॉर्म में ऐसे, विदाउट वेक्टर फॉर्म ऐसे, यानी कि इसमें आपको वैल्यू भी मिलेगी, वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड मिलेगा, आंसर मिलेगा, जैसे 10, 20 नैनोमीटर, ओ न्यूटन मीटर, 100 न्यूटन मीटर, आंसर मिलेगा आपको, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड इधर उधर, वो नहीं मिलेगा, सॉरी वो भी मिलेगा, वेक्टर है ना ये, वेक्टर फॉर्म प्लस डायरेक्शन भी मिलेगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर, बट इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, क्या मिलेगा सिर्फ, आपने वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों निकाल रखे है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड यूनिट में करवाए थे ना, वेक्टर ए बी पेपर में भी दिया, एग्जाम में दिया था सेप्टेम्बर, अब उनकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारे पास जितने भी फार्मूले होंगे आगे वो दो फॉर्म में होंगे, वेक्टर और स्केलर, ठीक है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में और उसके मैग्नीट्यूड में। आपको अगर डायरेक्शन भी साथ में निकालनी है तो सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस फार्मूले का यूज ही करना चाहिए, इस फार्मूले से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे आप टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म, टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, एक्स वाई, एक्स वाई के साथ वैल्यूज में पढ़ेंगे आप, फिर आएगी पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में होता है एंगल और रेडियस के साथ, एक तरह से पोजीशन के साथ, पोजीशन और
तो लिखिए टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म, टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म। टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, होता है कि नहीं? थोड़ा सा वर्क डन, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये लेकर आपने फिजिक्स में काफी डेरिवेशन सॉल्व करनी है प्लस टू में। जो भी चीज होगी, जो भी फार्मूला होगा, पढ़ा था आपने टेंथ क्लास में, क्या था क्यू अपॉन टी, आप पढ़ोगे डी क्यू अपॉन डी की स्मॉल वैल्यू लेकर, क्या होता था वेलोसिटी, ऐसे पढ़ोगे उसको, डी एक्स अपॉन डी टी लेकर भी पढ़ सकते हो, एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी लेकर, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग्स को लेकर पढ़ोगे, पूरे के लिए पढ़ो, छोटे के लिए पढ़ो, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसके इंटीग्रेट कर देंगे सब के लिए आ जाएगी, थोड़ी सी चीज को लेकर। जैसे टेस्ट नहीं करते ब्लड टेस्ट, खून में इंफेक्शन देखना है तो सारा खून को ही निकाल लेंगे वो आपका, कि आपकी बॉडी में तो इतना इंफेक्शन है, क्या करते हैं थोड़ा सा उसका पार्ट लेकर उसमें देख लेते हैं, फिर बाकी बाद में इंटीग्रेट फार्मूला लगाकर पूरी बॉडी का बता देते, नहीं चेक करते हैं ना, ऐसे टेस्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, टेस्ट करना कहते हैं। चलो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, कैसा प्रोडक्ट है ये, स्केलर प्रोडक्ट, कैसा, किसका, दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का मतलब पता है क्या है, जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होगा, उनका स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो उनका जो आंसर है वो स्केलर है, यानी कि इनकी वैल्यू में i, j, k होंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के ऊपर वैल्यूज होंगी इनकी, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे इनका, तो आपका आंसर विदाउट i, j, k कैप होगा, ये यूनिट वेक्टर होते हैं जो कि x एक्सिस को, y एक्सिस और एक्सिस को शो करते हैं, ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीजें। बट जो टॉर्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या मतलब है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट लेना है इनका, और इनका आंसर भी किसमें आएगा, वेक्टर में आएगा, यानी कि वेक्टर इंटू वेक्टर, आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर, बट यहां पर वेक्टर इंटू वेक्टर, आंसर क्या आएगा, स्केलर। ये चीज क्लियर हुई, क्लियर हुई है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें, अभी मेरे को एक चीज और ध्यान आ रही है, पहले वो भी समझिए या बाद में समझना है, रिजल्ट निकाल के समझते, या भी समझाए इसके बारे में, बड़ी काम आती है प्लस टू में, जब आई गया सामने तो अभी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आर क्रॉस एफ, इसका जो मतलब है रोटेशन आर से एफ की तरफ होना चाहिए, रोटेशन कहां होना चाहिए, आर टू एफ, हमेशा आर से एफ की तरफ रोटेट करोगे। सेकंड थिंग, जहां से पास पड़े वहां से जाना है, यानी कि थीटा इज स्मॉल, टेक थीटा इज स्मॉल, आपकी भाषा में जहां से पास पड़े, जहां से ठीक है रोटेशन करना है, और जहां से, चलो इसको एंगल इससे पढ़ते हैं, डायग्राम से पढ़ते हैं। यहां पर एक बॉडी है ए,
क्या है, ठीक है, कोई डाउट? ये रोड है, रोड ले लेते हैं, रोड को ही रोटेट कर रहे हो, ये फिक्स कर दिया पॉइंट, मान लो कोई डाउट, पॉइंट ले लिया, ये एक्सिस भी ले सकते हो, जैसे पूरी एक्सिस डोर पे होती है, पॉइंट भी ले सकते हो, पॉइंट के साथ चारों तरफ घुमा लो किसी चीज को, पत्थर बांधा धागे से घुमा ली। मैं इस रोड का एंड यहां पर लेकर आना चाहता हूं, ले आया, ले आया, कोई डाउट? ले आया, कोई डाउट? एंगल कितना बना? थीटा बना। ये क्या था? आर था। रेडियस का ही काम करेगा ना ये, आपके भाषा में रेडियस ही बनेगा ना ये, ये तो नो बन की बात। एफ कहां लगाया? ऊपर की तरफ, ये लो, ये एफ ऐसे लगाया ना, इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, यहां तक आया। फार्मूले पे आ जाओ, आर क्रॉस है, आर क्रॉस एफ कहां पर है? बी पॉइंट पे, ए पे लगाया था, बी पे लगाते जा रहे हैं ना, तो आर से एफ जाना है आपको, ए से बी जाना है आपको, ऐसे जाओगे या ऐसे? रोटेशन का यहां से यहां पर आपको नहीं बताया फोर्स कहां लग रही है, यहां से भी इस तरफ, ठीक है, ऐसे लेंगे आप रोटेशन, क्योंकि थीटा स्मॉल है, आर से एफ चलना है हमेशा, लेकिन वो आर से एफ ऐसे मत चलना आप, जहां पे एंगल स्मॉल होगा उस साइड से, तो आप राइट करना, राइट हैंड लीजिए, आर से एफ, ए से बी की तरफ चलिए, ऐसे फिंगर लेकर, थंब कहां आएगा? सामने। अगर आपने स्क्रू को ऐसे घुमाया तो बाहर की तरफ निकलता है वो पेच, पता आपको, टॉर्क बाहर की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा, और अगर ऐसे घुमा दिया तो अंदर की तरफ लगेगा। तो ये कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर है रोटेशन की, तो टॉर्क कहां होगा? नीचे से ले लो अपवर्ड, बोर्ड पर ले लो फॉरवर्ड, तो यहां पर लिखेंगे आप अपवर्ड। इस चीज को ऐसे देखिए, अगर ऐसे रोटेशन कराया तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां होगी? अपवर्ड। क्या लिखेंगे यहां पर? आपको बात, और अगर ऐसे हुई तो क्लॉकवाइज, इफ क्लॉकवाइज तो टॉर्क कैसा होगा? डाउनवर्ड। ये बड़ा काम की चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है, राइट हैंड थंब रूल, बड़ी डायरेक्शंस बता लगती है इससे, आंसर मिलेंगे आपको इससे काफी चीजों, ठीक है? आई जे के एक्स वाई जेड, ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? आई की वैल्यू एक्स एक्सिस पर होती है, जे की वाई पर, और के की जेड पर। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म, डायग्राम आपको समझ में आ गया है? फार्मूला ये जो लिया है ये समझ में आ गया है? देखो अब स्टार्ट करेंगे हम आपको, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ और डी आर की वैल्यू लगाएंगे आप। एफ वेक्टर है ना, वेक्टर है तो इस पे आई और एक्स और आई जे तीनों पे वैल्यू होंगी, ऐसे ही डी आर
पोजीशन वेक्टर है, इसकी भी आई जे की फॉर्म में, तो आप इसको लिखेंगे आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू होगी, भाई मैंने x और y एक्सिस पर ले लिया, टू डायमेंशनल में पढ़ रहा हूं, डॉट r की वैल्यू, r की वैल्यू सेम i dx प्लस j dy, ठीक है, ये x एक्सिस पर और ये dr को ले लिया, dr थोड़ा सा था ना, ये r होता तो x i लेते, i x और i y और j y, लेकिन ये dr है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस लिया है, तो थोड़े थोड़े से हमने dx और dy ले लिए, ठीक है।